हेलो वेलकम बैक टू टू माय क्रिकेट चैनल ब्रॉट यू बाय मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जेमी ऑल्टर और हम इस वक्त बात कर रहे हैं आज की ताजा खबर इंडियन क्रिकेट से बीसीआई ने आज इंडिया का अगला टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टू बी प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द ओवल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून और इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम है जो शायद बहुत लोग देखकर हैरान होंगे अजिंक्या रहाणे जिन्होंने श्रेयस अयर की जगह लिए के के गायब है और अब लगता है कि टेस्ट टीम में नंबर पांच पे रहाणे ही खेलेंगे वही रहाणे जिसे सिलेक्ट ने 2022 की शुरुआत में टीम से बाहर किया ऑन अकाउंट ऑफ इनकंसिस्टेंट फॉर्म तो ऐसा क्या किया ने वापस टेस्ट टीम में आने के लिए रहाणे ने इस साल के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पांच इनिंग्स में 209 रन मारे हैं 199 की स्ट्राइक रेट से दो अर्धशतक लगाकर जहां एक समय लग रहा था कि शायद रहाणे इस साल ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे वहीं उन्होंने अपने चांसेस को पकड़कर खुद को अनड्रॉपेबल बना दिया है इस चेन्नई लाइनअप में 30 नंबर पे आके रहाणे ने अपने पहले मैच में 19 गेंदों पे 50 मारा और उसके बाद से वो हर मैच में ऐसी अग्रेसिव बैटिंग करते आए हैं अठारह चौके और ग्यारह छक्के लगा चुके रहाणे जिसके दम पर चेन्नई की टीम ऑलमोस्ट हर मैच में बड़े टोटल बना पा रही है रहाणे के इस आक्रामक रूप को देखकर बहुत लोग उनके आईपीएल कप्तान एम एस धोनी को क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि वाकई में लगता है कि धोनी और सी की मैनेजमेंट ने रहाणे को पूरा लाइसेंस दिया है खुलकर खेलने का और नतीजा हम सबके सामने है परंतु सवाल यह है कि क्या रहाणे के आईपीएल बैटिंग के बेसिस पर बीसीसीआई ने उन्हें वापस टेस्ट टीम में डाला और अगर हां तो क्या यह सही फैसला है आईपीएल से पहले अगर रहाणे के फॉर्म को देखें तो उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में 11 पारियों में छह रन बनाए सत्तावन की औसत से दो शतक और एक बार पचास बनाकर तो क्लियरली रहाणे रेड बॉल क्रिकेट में फॉर्म में थे जिसे उन्होंने आईपीएल में ट्रांसफर किया रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रहाणे से ज्यादा रन्स कई बैट्समैन ने बनाए मगर उनमें से भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर कैंडिडेट्स कोई नहीं था मयंक अग्रवाल ने 990 रन मारे मगर वो एक ओपनर है और अभिमन्यु ईश्वरन हुज आल्सो एन ओपनर ही मेड 798 रन्स अब हो सके उस समय रहाणे सिलेक्टर्स के रेडार में नहीं थे और जब श्रेयस अय्यर इंजर्ड हुए तो उस नंबर फाइव रोल के लिए सूर्य कुमार यादव के आगे जब टीम मैनेजमेंट ऑप्शंस देखने लगी तो सरफराज खान के फिटनेस को लेकर डाउट्स थे और जब रहा ने ऐसी एंट्री करी आईपीएल में फिर उस फॉर्म को पांच मैच तक मेंटेन किया तो भारतीय टीम के अंदर किसी को लगा कि यह बंदा चल सकता है मगर मुद्दा यह है कि एक तो बीसीआई सिलेक्टर्स कौन है यह किसी को नहीं मालूम और दूसरी बात क्या एक टेस्ट बैट्समैन को जिसको आपने फॉर्म के कारण ड्रॉप किया उनको टी ट्वेंटी फॉर्म को लेकर सेलेक्ट करना चाहिए जमीन आसमान का फर्क है आईपीएल में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलने में रहाने को जब पिछले साल ड्रॉप किया गया था तो ढाई साल में उन्होंने सिर्फ एक सौ लगाया था टेस्ट में इस बीच उनकी बैटिंग काफी ऊपर नीचे थी और 2020 से लेकर 2022 हजार बाईस तक रहाने पैंतीस पारियों में 819 रन बनाए चौबीस की औसत से विथ वन सेंचुरी एंड थ्री फिफ्टी रहाणे जब ड्रॉप हुए थे तो बनता था क्योंकि वो एक सीनियर खिलाड़ी थे और बयासी टेस्ट मैच खेलकर वट मैटर मोर उन सारे बल्लेबाजों को क्या मैसेज दिया गया है रहाणे के सिलेक्शन से कि आईपीएल सफलता को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रणजी ट्रॉफी से अगर रहाणे के रणजी ट्रॉफी फॉर्म को सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट मानते थे तो फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए क्यों नहीं सेलेक्ट किया पांच आईपीएल इनिंग्स के बेसिस पर ऐसा क्या दिखाया रहाणे ने कि उन्हें एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट के लायक समझती है भारतीय टीम सोचने की बात है दोस्तों और जरूर इस बात पर गौर करिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपकी राय जानने को मिले मुझे बाकी चलता हूं और आपसे मिलता हूं एक और वीडियो के साथ बाकी सारी क्रिकेट खबरें स्कोर न्यूज और अपडेट्स के लिए डू चेक आउट डेफा न्यूज राइट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो विल सी यू वेरी सुन गुड बाय फॉर नाउ।